आज हम बनाएंगे ग्रीन पास्ता, मतलब स्पिनच का पास्ता मैं बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर। इसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पर 1 प्याज कटी हुई, अच्छी तरह से भूनूंगी इसको। जब तक ये गोल्डन ब्राउन, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तब तक गैस को भून लेंगे। अच्छी तरह से ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर पालक की पत्ती। तो यहाँ पर मैंने 1 कप स्पिनच लिया था, इसके साथ ही मैंने स्पिनच लिया, इसके साथ मैंने डाला है 10 से 15 फुदीने के पत्ते, मतलब मिंट्स लीफ डाले थे, और फ्रेश कोरिएंडर मैंने डाले थे 1/8 कप जितना, और इसके साथ मैंने 2 ग्रीन चिली डाली थी। तो ये सब की आपको अच्छी तरह से मिक्सचर में पेस्ट कर देना है, पहले अच्छी तरह से धो देना है स्पिनच को, और उसके बाद में आपको पेस्ट बना देना है। और पेस्ट को अभी हम 2-3 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। अभी 2-3 मिनट हो गई है, ब्यूरी को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, और इसमें हम डालेंगे गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे यहाँ पर, टेस्ट सॉल्ट, सॉल्ट के साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नटमेग का पाउडर में डालेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं पास्ता मिक्स डालूंगी 1 चम्मच जितना, ये बहुत टेस्टी लगता है, 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया। अभी हम डालेंगे ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर में 1/4 टीस्पून जितना डालूंगी, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर हम डालेंगे अमूल का जो चीज़ आता है, मोज़रेला चीज़ अमूल का, मैं यहाँ पर डालूंगी। यहाँ पर हम अच्छी तरह से चीज़ डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालिए। मैं 1/3 कप जितना यहाँ पर अमूल का चीज़ डालूंगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फिर से, और फिर से ढक्कन बंद करके 1 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ग्रीन पास्ता रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गई और हमारा ग्रीन पास्ता खाने के लिए रेडी है। ये मैंने ओपन किया और चीज देखो आप, इतना अच्छा सा चीज है, और ये मेरा सबसे फेवरेट फ्लेवर है ग्रीन पास्ता, स्पिनच पास्ता। रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। है ना इजी रेसिपी, यम्मी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ